हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला, आई एम सोनब। दोस्तों मैं एक नया सेगमेंट चालू कर रहा हूँ जिसका नाम है दिस डे दैट ईयर, मतलब वो साल, मतलब जो ओल्ड, जो पुराने साल थे, जिस साल में जो फिल्म्स, बड़े फिल्म्स रिलीज हुए, जिसे हमारे वाइज मैन बॉबी जी ने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था, उसके बारे में हम रिव्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे। और आज की फिल्म है अग्निपथ, जो रिलीज़ हुआ था 16 फरवरी 1990 को, एंड बॉबी जी ने उसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लिया था। बॉबी जी वेलकम टू बॉलीवुड वाला। फर्स्ट डे फर्स्ट शो अग्निपथ देखा था आपने 16 फरवरी 1990 को? मैंने अमित जी की फिल्म अग्निपथ गेटी गैलेक्सी में देखी थी, उसका टिकट भी अभी तक मेरे पास देखिए, यू कैन सी दिस। जैसे आप लोग देख सकते हो कितने, व्हाट इज द रेट ऑफ द टिकट? टिकट रेट इज ₹10। और आप विश्वास नहीं करोगे, ये गेटी गैलेक्सी का प्रीमाइस, अगर आप कैमरा मारो तो यहाँ पर ये देख रहे हो आप, यहाँ पर पब्लिक रात को सोई हुई थी, एक दिन पहले सोई थी पब्लिक थिएटर के बाहर। क्या बात कर रहे हो? टिकट्स के लिए, क्योंकि अमित जी का तो सबको पता है, इस गॉड ऑफ बॉलीवुड, इतनी मारामारी हुई थी टिकट्स के लिए, सबकी धुलाई हो गई थी और सब रात को यहाँ सो गए थे। मंडे को एडवांस बुकिंग शुरू होने वाली थी मॉर्निंग 9:30 को, और पब्लिक संडे को रात को इधर सो गई थी, यहाँ पूरा इसमें सोई हुई थी। तो आप कभी आए थे? अरे मैं तो सवेरे बहुत जल्दी आया था, मतलब रात को 3 बजे आया था मैं इधर। अरे बाप रे, बहुत धुलाई हो गई थी सबकी, तो कैसे भी आवाज चेंज किया था, तो ऑडियंस को क्या लगा कि थिएटर का स्पीकर खराब है, फिर पता चला कि अमित जी ने आवाज चेंज किया है, तो उस बात के लिए लोग बहुत नाराज हो गए थे। लेकिन अमिताभ बच्चन वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर द ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, उम्र 36 साल 8 महीना 9 दिन और ये 16 घंटा चालू है। अरे सुपर फुल डायलॉग मुझे याद है पिक्चर का। बट बॉबी जी कुछ माहौल बताइए, गेटी में एंट्री किया आपने, बेटा हाउसफुल तो थे ही थे, तो जब अमिताभ की एंट्री हुई किस तरह का रिस्पॉन्स था? अमित जी की एंट्री हुई, जब अमित जी से बैठे हुए एंट्री किया उन्होंने, कुर्सी पर बैठे हुए अपनी जो सीटियाँ और तालियाँ और पैसे स्क्रीन पे फेंके, मतलब अमित जी का, मतलब वो टाइम का जो क्रेज था ना, वो किसी एक्टर का अभी तक नहीं हुआ, उन्हें होएगा भी नहीं कभी। तो बहुत धमाल हुआ थिएटर में। अपने बहुत सीटियाँ डायलॉग अमित जी के, जो तलवार लेके अमित जी भागते, वो बहुत, फिर मिथुन चक्रवर्ती ऑल्सो वॉज देन, कृष्ण अय्यर एम में नारियल पानी वाला वन सॉन्ग वॉज देन, तो बहुत मजा आया था। और डैनी डैनी डेंगजोम पैस कांचा चीना, फिर अर्चना पुरन से गाना था, शक्ति कपूर ऑल्सो दे, शक्ति कपूर, फिर गोगा कपूर, बहुत सारे, चीनू आनंद वॉज दे, बहुत, मतलब इट वॉज दिस मूवी बिकेम अ कल्ट फिल्म, मतलब दिस वॉज द बेस्ट ऑफरिंग फ्रॉम धर्मा प्रोडक्शन। बेस्ट ऑफरिंग फ्रॉम धर्मा प्रोडक्शन में ऐसा ही कहा कि ये बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी, और उनका डायलॉग बाजी अमिताभ ने किया था ना वाइट सूट में, मतलब पब्लिक ने बहुत एंजॉय किया था वो टाइम पे। कितनी बार देखे थे आपने ये फिल्म? मैंने फिल्म 4 बार देखी थी, 3 बार गेटी में देखी और 1 बार मनोज जी की थिएटर, मनोज जी का थिएटर है मराठा मंदिर, वहाँ भी देखी थी मैंने। हाउसफुल था ये सभी टाइम? सबको सब हाउसफुल था, मतलब मारे मारा मारे हुए थिएटर के थे, फर्स्ट जो तो पीपल आर फाइटिंग ओवर आउटसाइड थिएटर, टिकट्स किसके पास, सब जगह हाउसफुल थी, सब शोज हाउसफुल थे, पूरा वीक हाउसफुल था। ओके। चलिए बॉबी जी, जैसे मैं हमेशा रिव्यू के वक्त आपको पूछता हूँ, जाने से पहले अग्निपथ 1990 के अग्निपथ को, वो टाइम पे आप थिएटर से निकलने के बाद कितना स्टार्स देते थे, इस बार बताइए कितना स्टार्स देते हैं आप? वो स्टार वो टाइम में भी रिव्यू करते थे लोग, लेकिन ऐसा हमारा शो नहीं था, तो उस टाइम भी मैंने उसको 5 में से 4 स्टार दिए थे, और अमित जी को मैंने तभी भी, ट्रस्ट मी आई एम नॉट किडिंग, दैट टाइम आई टोल्ड ऑल माई फ्रेंड दिस मूवी अमित जी विल गेट नेशनल अवार्ड, और अमित जी को, बिकॉज द एक्ट्रेस इन दैट मूवी ने माधवी, माधवी अमित जी के ऑपोजिट थी, शी इज ऑलवेज लक्की फॉर अमित जी, उनकी जितनी फिल्में आई ना अमित जी के साथ गिरफ्तार आई, इट वॉज सुपर हिट, फिर अंधा कानून ऑल्सो शी वॉज पैड विद ऑपोजिट अमित जी, इवन डेट मूवी वॉज सुपर हिट, इस अग्निपथ में भी माधवी जी थी, लेकिन कुछ कॉन्ट्रोवर्सी बहुत हो गई थी, फिर अमित जी गॉट अ नेशनल अवार्ड फॉर दैट फिल्म। मतलब प्रेडिक्शन उस टाइम भी किया था, अच्छा हुआ था। और अमित जी को कितना स्टार्स? अमित जी तो स्टार, गॉड ऑफ बॉलीवुड, को स्टार की जरूरत नहीं, पूरा यूनिवर्स ही उनका है, ही इज हिमसेल्फ द इंस्टीट्यूट, ओके, ही इज अ गैलेक्सी इन हिमसेल्फ। चलिए थैंक यू वेरी मच बॉबी जी, होप आपको ये नया सेगमेंट पसंद आया होगा, जो भी आपको लगा कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखकर बताना। दिस इज सोनू सिंह, बाय बाय।